मेरे राजा मेरे तुझको जंगल और ये जंगल में आवाज और ये आवाज ऐसा लग रही है कि मुझे अपनी तरह बुला रही है। ये कोई इंसान है या चुड़ैल है? मैं इस जंगल से जिंदा नहीं जाऊंगा। अगर तूने होशियारी करने की कोशिश किया ना तो तूफान सिंह की बंदूक की गोली तेरे जिस्म को पार कर जाएगी। हाथ ऊपर, मैं कहता हूं हाथ ऊपर। श्याम मेरे मालिक, कोई औजार कोई मार के कुछ नहीं के पास। ये तो इंसान है ना तो कोई चुड़ैल है, लेकिन ये बियाबान जंगल, ये बियाबान जंगल में तू क्या कर रही है? कौन है तू? मैं किसको ढूंढ रही है? मैं अपने लाल को ढूंढ रही हूँ, अपने मुन्ने के तरफ तड़प ढूंढ रही हूँ। अपने लाल को ढूंढती हूँ, मेरा लाल नहीं मिल रहा। क्या कहा? तू अपने बेटे को ढूंढ रही है? कौन वो बदनसीब बेटा है? कौन सा वो बदनसीब बेटा है जिसे वो अपनी माँ को छोड़ के चला गया? तूफान ने तो कभी अपने माँ की शक्ल नहीं देखा, और वो कितना बदनसीब है अपनी माँ को छोड़ के चला गया। कहाँ गया है तेरा बेटा? तू मुझसे बताएगी? मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं गया। अरे है कहाँ तेरा मुन्ना? एक बार इस तूफान से तो बता। अरे है कहाँ तेरा मुन्ना? और बता दे मुझे है कहाँ तेरा मुन्ना?
दे मुझे और ढूंढ कर तेरे मुन्ना, अरे मुन्ना को लाएंगे हमें तेरे मुन्ना। अरे पापी विक्रम ने मारा और सताया मुझे जी, कौन विक्रम? कहीं वो विक्रम तो नहीं जो कि इस समय फूलपुर रियासत का महाराज विक्रम सिंह कहलाता है। वो महाराज नहीं, वो कातिल है, वो पापी है। मेरे प्राणनाथ का खून उसने किया है, मेरे प्राणनाथ का मार करके मेरे बच्चे को छीन लिया मुझसे, उसने मुझे मार कर निकाल दिया। क्यों छोटा अपराध किसी के ऊपर लगाती है? अरे वो महाराज तो इतना बड़ा दाता तानी है कि ये तूफान ने एक दिन गरीबी का तावन उसके सामने फैलाया और देख कौन क्या उसी की देन है। और आज तो मेरे साहब के नाम कोई जंगल पे बदनाम कर रही है, कल किसी बस्ती में जाएगी और कहेगी कि मेरे पति का खोड़ करने वाला विक्रम है, तो मेरे साहब के नाम पे लोग गाली देंगे। राम चादी बुढ़िया, अरे वो आज जो राजा बना बैठा है, महाराज बना बैठा है, दानी बना बैठा है, उसकी दौलत नहीं है। अगर उसके कमाई की दौलत हो तो लुटाने में उसको एक बार चार को लगाम दे, वरना तेरी जबान खींच के तेरे हाथ पे तोहफा रख देगा। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ लेकिन अपने साहब की बुराई नहीं। और यह तूफान ने कभी हाथ अपने किसी के ऊपर नहीं उठाया, और मैं कहता हूँ तू मेरे साहब के नाम को छोड़ अपने असली कत्ल का नाम बता, तेरे सामने मैं उसे सजा दूंगा। और नहीं तो देखिए हंदर, जिन हाथों ने कभी किसी को पर हाथ नहीं उठाया, आज मैं तेरे जिस्म की एक एक खाल उड़ा दूंगा। चैत मुझे मार डाल, मैं तो यही सोच के कहती हूँ बार बार कि जहाँ मेरा पति नहीं मेरा बेटा नहीं तो मेरे जीने से फायदा क्या है। मैं उस कातिल को एक बार नहीं हजार बार कहूंगी मेरे पति को। अरे झूठ तू बोलती, क्यों किसी को पर अपराध लगाती? अरे झूठ तू बोलती, अरे साहब ऐसे नहीं। बोल तेरा असली कातिल कौन है? मैं कहता हूं उठ बुढ़िया, अरे मेरे मालिक
ये कौन है और मैंने ये क्या किया? आज मैंने इसे इतना मार दिया कि ये क्रिकेट उठ नहीं रही है। आए बूढ़ी माँ, उठ उठ बुढ़िया, ये मेरे मालिक ये तो बेहोश हो गई। ए बूढ़ी माँ, आज तक मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखा और आज आज मैंने किसी की माँ को मार के अरे बेहोश कर दिया। इन हाथों से मैंने क्या किया? आज ये गुनहगार कर लिया इन हाथों को। आए बूढ़ी माँ, उठ उठ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे सर पे कौन शैतान बिराजमान हो गया जो कि आज मैंने किसी की माँ को मार के बेहोश कर दिया? अगर मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा और कोई जानवर आ जाएगा तो इसे खा जाएगा, मैं बहुत बड़ा पापी बनूंगा। उठने बुरी माँ, अरे ये पगली दीवानी है। ए बुरी माँ, अरे ये पगली दीवानी है, गलियों में भटकती है। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने तुझे इन हाथों से मार दिया है ना, इन हाथों को काटते, लेकिन एक बार अपना औलाद समझ के मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाप पढ़ करके मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरे ऊपर पाप मत ला दो। वैसे तो मैं रास्ते रास्ते कुमारी हो गई हूँ, एक एक टुकड़े रोटी के लिए तड़पती हूँ। बूढ़ी माँ, मेरे पैर, अगर मैंने अपनी जबान से तुझे माँ कह दिया है तो आज मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, अपनी माँ बना के रखूंगा, तेरा इलाज कराऊंगा और जिस दिन तू असली कातिल को पहचान लेगी ना, तो पैदा करने वाली माँ की कसम है तेरे सामने उसे जिंदा जमी पे दफन कर दूंगा। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं समझती हूँ तेरी बातों को, मीठे मीठे बातों में मुझे फंसा करके ले जाएगा, मुझे जान से मार देगा, तड़पा तड़पा। नहीं रे, इन हाथों ने तुझे मार दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तेरे आगे, काट दे इन हाथों को, लेकिन ऐसा अपराध मत लाद जिस तूफान ने अपनी माँ की शक्ल न देखा हो। आज किसी की माँ को कैसे मार सकता हूँ? तू मेरे साथ चल, मेरा एतबार रख, मैं तुझे अपनी माँ बना के अपने पास रखूंगा। मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा, अगर तूने मुझे माँ कहा है, आज ये बूढ़ी माँ एक हफ्ते हो गए कुछ भी खाई नहीं, इस बूढ़ी माँ को एक बार
कुछ खिला दे। क्या कर रही है तू? एक बार मुझे एक हफ्ते से तू इस जंगल में मारी मारी फिर रही है, पिन दाना पिन पानी। आज साहब ने तो मुझे सिर्फ ये बंदूक और ये कारतूस दिया है, मेरे पास तो एक पैसे भी नहीं है कि तुझे ले जाके चौराहे पे कहीं बैठा के खिला दूं। हाँ, तेरे पास पैसे नहीं, अगर तेरी माँ होती तो एक बार पैसे नहीं होता तो भीख मांग के खिलाता अपने लोगों को। मैं गैर हूँ, मैं तेरे सही कहा। तुझे भूख लगी है ना? मैंने तुझे माँ कहा है तो इन बस्ती वालों के सामने अपने हाथ को फैला के तूफान सिंह तेरे लिए पैसे मांग के खाना लाएगा, तब तो चलेगी। अगर तू मुझे खाना खिला दिया तो मैं तुझे समझूंगी कि तू मुझे अपनी माँ से। ए गांव वालों, आज ये तूफान तुम लोगों के सामने अपने हाथ को फैला के किसी माँ के भूख के लिए हाथ फैलाया है, और आज आज तुम किसी की माँ की मदद करोगे, कल तुम्हारे माँ की मदद भगवान करेगा। ओ बाबू, ओ बाबू, ए जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। बस्ती वाले कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं ये लोग। तेरे भूख के लिए ये तूफान ने अपने हाथ को फैलाया, देख मुझे कितनी मदद दिया। चल मेरे साथ, तुझे पहले खाना खिलाऊंगा और फिर तुझे अपने रूम पे ले जाऊंगा।
चलेगी ना। आप तो मुझे माफ कर देगी ना? तूने मेरे खातिर भीख मांगा है मुन्ना। अरे इतना तो अपनी औलाद नहीं कर सकता अपने माँ बाप के साथ जो तूने मेरे साथ किया है। ऐसा मत बोल, अब तो मेरे साथ चल। चलेगी मेरे लाल, चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात एक और सुन ले। बोल। अब इस तरह से मुझे मारने नहीं, कभी नहीं, नहीं। मारना तो मुझे जान से मार देना। ऐसा मत बोल, मेरे करेते को ठेस मत पहुंचा मेरी माँ। और जो गंधाड़ी तेरे द्वार, अरे जो गंधाड़ी तेरे द्वार खा जाया कि मेरी सारी कार, जो गंधाड़ी तेरे द्वार नौकर गए, बहुत से सिपाही गए, मर के वापस आए ना वे, लेकिन उस जंगल से आज तक कोई वापस वहां मर गए, वो भी हरामजादा मर गया होगा। महाराज की जय हो। तो अरे आपके हुक्म से जाते महाराज आज आया हूँ मैं, और किंतु है जो पड़े, अरे बाग से बच गए और करके यत्पात को कैद लाया। यानी तूने हमारे दुश्मन यशपाल सिंह को कैद करके बंद कर दिया। यकीन नहीं है तो काल कोठरी में चल के देख लो। हमें विश्वास है कि तुम एक बहादुर हो, जिस काम के लिए गए हो वो काम अवश्य पूरा किए। लेकिन महाराज अब अपने जवान की भी कीमत रखिए। तुमने कहा था कि विजयपुर से लौट के आएगा तो जो मांगेगा सो मिलेगा। बात से पीछे ना हटे, कैसे तुमका यह बंदूक से निकली गोली, मोरे मुंह से निकली बोली। अबे हमने क्या कहा? आप जौन मांगी वह दे पड़ी। हमने क्या कहा था बे? हाँ तुम्हें तो कहे हो जौन मांगी है वह मिली, अब वह जौन ले तुम दे दे पर। तो ठीक है। दरबरिया कौन सी ऐसी चीज मांग लो बे कि जिसमें मेरी जिंदगी अमन चैन से गुजर जाए? अरे तू इंता की बात ही इनसे मांग ले, तू डांगर तू ही खा। चुप हरामखोर, डांगर मांग लो। अबे कोई ऐसी चीज बता कि जिसमें सारी जिंदगी उसी के साथ ही पार हो जाए। अच्छा मतलब ओके साथ पार हो जाए। हम बता दे इजौन महाराज है ना, हाँ। इनके तो बिटिया है। अच्छा जिस दिन मैं
तुम लोगों के पास गेट पे मिला था, हाँ। जो छत के ऊपर खड़ी थी वो इनकी बेटी है। हाँ हाँ, वह इनका नाम राजकुमारी प्रभा, तुम वह का मांग लियो। अभी उससे मांग लो, हाँ। तो कहीं महाराज नाराज ना हो जाए। घबराओ ना, तुम्हारे साथ हम होंगे लागी। सही, हाँ। वैसे छत्री तो जवान की कीमत रखते हैं ना। रखते ना। महाराज सुनो, तूफान सिंह को क्या चाहिए आपसे? अरे वैसे तो आपका प्यार ही है बहुत। और अपनी बेटी प्रभा को हमें। क्या कहा तूफान? और देना है यदि महा, अरे राज जी आपको और अपनी बेटी प्रभा को। तूफान सिंह, तूफान को कुछ नहीं, आपकी बेटी प्रभा का हाथ चाहिए। तेरी ताकत, तू भी ताकत पे बहुत घमंड करता है ना, बहुत नाच करता है, तो कल हम